गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रविंद्र एक बार फिर आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल होम गार्डन पे दोस्तों। और ये सामने आप जो प्लांट देख रहे हैं ये मैरीगोल्ड है, गेंदा, और इसे मैंने आज ही ज़मीन में यहाँ लगाया है। और जब मैं इसे लगा रहा था तो मुझे ध्यान आया कि हमने कुछ सप्ताह पहले मैरीगोल्ड की कटिंग लगाई थी, तो चलिए उसका एक रिव्यू देख लेते हैं क्या स्थिति है उसकी आज। तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब हमने जो कटिंग लगाई थी उस समय मौसम बहुत अच्छा हो गया था, इंडिया में काफ़ी सर्दी पड़ने लगी थी, तो उसके बाद यहाँ मौसम ने बहुत बड़ा बदलाव हुआ और गर्मी एक बार फिर आई, तो हमें अपनी कटिंग उठाकर अपने कुछ मैंने जो लेमन के प्लांट है उनके नीचे रख दी थी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है फिर भी देखते हैं। तो चलिए आप ये देखिए, ये वही मैरीगोल्ड की कटिंग है जो हमने लगाई हुई थी। तो इसमें कुछ कटिंग तो अभी बहुत अच्छी स्थिति में है और कुछ की स्थिति ख़राब हो गई है। पहले ख़राब वाली देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपकी जो कटिंग है बिल्कुल सड़ रही है, और कारण है इसका ये जो मैंने मिट्टी ली है, इसमें कोकोपीट है, और मेरे को आइडिया हो गया है कि अपने यहाँ का जो गेंदा है वो कोकोपीट में अच्छी ग्रो नहीं करता है। तो चलिए और हम ब्रांच देखते हैं जो किस प्रकार हैं। ये देखिए, ये जो कटिंग है बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्रो हुई है, और इसके अलावा ये वाली देखिए, तो ये अभी बिल्कुल सही है और इसके छोटे छोटे अंकुरण शुरू हो रहे हैं। मैं आपको और पास से दिखाऊं कुछ, ये आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे जो नई ब्रांचेज हैं वो निकलना शुरू हो रही है। और ये देखिए आप, ये तो बिल्कुल जैसे तैयार है और कुछ नई ब्रांच इस पे ऊपर आ भी गई हैं, आप देख पा रहे हो। तो ये बहुत सरल आइडिया है दोस्तों, और मैं आपको बताऊं ये बरसात में बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ टेम्परेचर एक साथ दोबारा से 35 से ऊपर चला गया, और इस कारण से जो कुछ ब्रांच ख़राब हुई हैं इनका यही एक कारण है, वरना ये पूरी तरह सक्सेस है। और बरसात के समय अगर आप इसे लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो जैसे कुछ हाइब्रिड जो सीड आते हैं मैरीगोल्ड के, वो सीड जब ग्रो नहीं होते, अगर आपके पास कुछ ही पौधे बचते हैं तो आप फिर उन्हीं पौधों से अपने प्लांट की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आज एक छोटा सा अपडेट वीडियो बनाया है आप सभी के लिए, और बहुत ज़्यादा व्यू है मैरीगोल्ड के, तो मैंने सोचा क्यों ना अपडेट वीडियो बना दूं जल्दी से। ये देखिए, ये अभी बिल्कुल सही है, और देखते हैं कुछ हो रहा है कि नहीं। इसकी जो नीचे ब्रांच है बिल्कुल सही है, मैं इसे दोबारा से लगा देता हूं, और इस बार मैं इसे ढंग से टाइट करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ढंग से ठीक तरह से दवा ही नहीं गई थी उस समय, और शायद उसमें कुछ पोल रह गई इसलिए ये अभी ग्रो नहीं हो पाई। तो हम कह सकते हैं कि हमारी लगभग 50 से 60% कटिंग सफल हुई है। हमने 4, 4, 8, 10, 11 गिलासों में कुल मैरीगोल्ड की कटिंग लगाई थी दोस्तों, और उसमें से आप देख सकते हैं ये लगभग 4-5 कटिंग हमारी बिल्कुल सही हैं, और वो तब जब यहाँ का वेदर ख़राब हो गया, गर्मी आ गई। और उसके अलावा मैंने इन्हें जिस पेड़ के नीचे रखा उस पर छाया भी कम थी, और अगर मैं इन्हें अपने घर पर रखता शेड में तो मुझे उम्मीद थी कि ये सभी सही ग्रो होती, लेकिन फिर भी चलिए हमारा जो रिज़ल्ट है वो अच्छा रहा, और भविष्य में हम इसे और सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपने जो कटिंग लगाई है उसका भी मुझे रिव्यू दीजिए, कमेंट कीजिए, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने फ़ोटो डालिए,
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इंस्पायर हुए, आपने वो कटिंग लगाई और फिर वो आपकी सक्सेस हुई। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों। वीडियो पसंद किया अगर आया हो आपको तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ज़रूर। तो मैं रविंद्र फिर आपके साथ आऊँगा किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।